थ्री चलो तो आइए वर्ग चरणों में चलते हैं। हरे कृष्णा हरे
ज्यादा जी लेती है। तो आइए छोटी सी एक विनती श्री राधा जी के चरणों में, और बार बार पुकार पुकार कर हम सब यही कामना करें, यही कि इस वक्त जो कोरोना हमारे भारत में है वो दूर भाग जाए और फिर से जैसे ही सब ठीक ठाक सब हो जाए। तो ये प्रभु की कृपा से होता है, जैसे कि अगर किसी नगर में कुछ थोड़ा बहुत बुरा होता है तो एक दुआ की जाती है, हमल किया जाता है कि बुरा वक्त जो है वो निकल जाए और अच्छा वक्त आ जाए। तो ये भक्ति दस चैनल वालों ने भी एक यज्ञ जो है वो चला रखा है और हम सब आहुतियां दे रहे हैं यज्ञ में। तो प्रभु जल्दी ही सुनेंगे, जल्दी ही कृपा करेंगे। तो आइए श्री राधा जी की शरण में चलते हैं।
से विनती करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। Thank you.
खुवाइए खुवाइए अभी अभी प्रभु चरणों में चलते हैं और हरे नाम का संकल्प करते हैं। ऐसी आंखें लड़ाई मजा आ गया।
ईश्वरे सत्य है
सोचने की बात है, सोचना चाहिए। इंसान कहता है कि मैं अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा, पैसे के पीछे इतनी दौड़ लगी हुई है कि एक जरूरत पूरी होती है तो जरूरत और निकल आती है। जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर लालच का कीड़ा है वो हमें भगाता है, और ऐसे ही सारी जिंदगी भगाता रहता है। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि कोई तो शक्ति है जो सारे संसार को चला रही है। हम सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो ही होगा और कुछ होने वाला ही नहीं है। देखिए आज हम सब कोरोना में फंसे हुए हैं, कोरोना से लड़ रही है पूरी दुनिया। देखिए उसकी कैसी लीला है। अगर वो चाहे, कहते हैं ना कि अगर वो चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। यही वो पत्ता है जो हिल नहीं सकता। जो भागते थे, जिनके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं था अपनों के लिए, आज वो सब घरों में बंद हैं। ये किसकी लीला है? उस परमात्मा की लीला है। हाँ, ये बीमारी बहुत बुरी है, हम जानते हैं, लेकिन इस बीमारी के कारण हम अपनों से मिल भी पाए हैं, हमें अपने मिले हैं, हम अपने घरों में रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो छूट चुकी, जो पीछे बहुत पीछे छूट चुकी थी। हम सब अब उसी दुनिया में फिर वापस आ गए हैं। तो ऐसे ही हमें उस शक्ति से डरना है और उसको साथ लेके चलना है, उस परमात्मा को साथ लेके चलना है, ताकि जीवन में कभी कोई बुरा वक्त आए तो वो ऐसे ही निकल जाए, क्योंकि उसका आसरा होगा तो बुरे से बुरा वक्त भी निकल जाएगा। और कमाई खूब करनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कमाना है, कमाना है, खूब कमाना है, लेकिन आश्रय लेना ही उस परमात्मा के नाम का। उस घर को नहीं भूलना है हमें, जिस घर में हमें वापस जाना है। और वो कमाई वहां पर कौन सी चलेगी? नाम की कमाई ही चलेगी। ये नोटों वाली कमाई वहां पर नहीं चलने वाली है। तो उस कमाई को भी हमें कमाना चाहिए, उसका भी बैंक बैलेंस हमें इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हम जब उस घर में, अपने घर में जाए तो कुछ ना कुछ तो लेके जाए। तो आइए, क्या कहा, जो नहीं इस सच्चाई को जानते वो फिर 84 के चक्कर में फंसते हैं, दुख भोगते हैं, पता नहीं क्या क्या उनके साथ होता है। तो आइए, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फंसना ही नहीं है, हमें निकलना है इस 84 के चक्कर से निकलना है। तो जो नहीं जानते वो बाद में फंसाते हैं। क्या कहा? अभी हम
प्रभु के श्री चरणों में चलते हैं और विनती करते हैं, इस मन को भी समझाते हैं कि हे मन समझ जा, अभी भी वक्त है समझने का, तो समझ जा, नाम जप ले, प्रभु का कीर्तन कर ले, यही सच्चा धन है। तो आइए राधे राधे बोलवे मेरे मन दिया धोतिया, राधे राधे बोलवे मेरे मन दिया धोतिया।
हर मन में बसने वाले हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जिनके मन में जब बस जाते हैं तो फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे ये राधा रानी के भक्त हैं, श्री बांके बिहारी जी के भक्त हैं और वो गुरु महाराज जो है वो उनका भाव है। ये उन्होंने क्या लिखा, लोग तो कहते हैं कि हमारी ओर देखो हमारी ओर देखो, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मत देखो मेरी तरफ क्योंकि तुमने तो रहता हुआ है मुझको। तो ये भाव है, कैसे कहते हैं बस चल रही है आने करो तो बंद कर दो कि मेरा इतना जहर तुम्हें देखना किसी बंदगी से कम नहीं करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि तुझे दे में हमने बसा लिया आप इस तरह से यूं
राधा रानी सरकार की स्टॉप करो बोल।